हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 सितंबर 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है, और हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यूज़ की, बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में कैसे पूछे जा रहे हैं, और मैथ्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और ये ध्यान दीजिएगा, देखो ये एकमात्र चैनल है जिसपे आपको एक साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी कोई चैनल नहीं है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक साथ मिल रहे हैं। तो चलो बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन लिया गया है वो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का, और क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था कि हमें दे रखा था 0.13 इंटू पी की पावर इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये दे रखा था कि 0.13 इंटू पी की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 13। ये है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी का मान निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यह करेंगे, यहाँ से देखो हम रख देते पी, पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13, अब इसके साथ इंटू में क्या है, 0.13 है, तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा 0.13। अब 0.13 नीचे चला गया, अब यहाँ मैं पॉइंट को हटा देती हूँ, पॉइंट को हटा देती हूँ तो ऊपर दो जीरो लग जाएंगी। अब देखिए, अब ये इजीली बताओ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 13 से हो रहा है, 13 कम 13 और यहाँ 13 एकम 13, तो यहाँ का क्या बच गया कट के, यहाँ बच गया 100 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 100 बच गया। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास अब मिल रहा है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, जब हमने काटा पीटा तो इतना मिल गया। अब मुझे ये बताइए यहाँ पी स्क्वायर, अब मैं 100 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 10 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 का वर्गमूल होता है। अब यहाँ से देखिए पावर पावर कट जाएंगी, पावर पावर कट गई, तो अब अपने पास यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ पी बचा क्योंकि पावर तो कट चुकी है, और यहाँ पे सिर्फ बचा 10, तो 10 ही हमारा उत्तर हो जाएगा कि जो पी का मान है वो 10 है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था श्रृंखला का, और हमें कुछ ऐसी सीरीज दे रखी है, और हमसे पूछा दे रखा है हमें 10, 18, 34, 36, आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या देखा कि 10 से आगे 18 आया, 18 से 34 और 34 से डायरेक्ट आ रहा है 36, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 10 के बाद डायरेक्ट आ रहा है 66 आ गया। अब 66 आ गया तो देखिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस अचानक से सडनली बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में देखिए लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखिए जब मैं इसको कर दूँ इंटू 2 कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ तो कितना मिल जाएगा 20, और 20 में से जब मैं माइनस कर दूँ 2 तो क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब देखते हैं यही लॉजिक यहाँ काम कर रखा है, कर रहा है क्या। ठीक है, 18 को गुणा किया 2 से तो कितना मिला 36 मिला, यानी कि 36 मिला। अब ये 36 36 में से 2 माइनस कर दें तो क्या मिल गया 34 मिल गया। चलो यहाँ पे भी ये लॉजिक काम कर रहा है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब मैं करती हूँ 34 को 2 से गुणा करती हूँ, जब मैंने 34 को 2 से गुणा किया तो मुझे मिला, मुझे क्या मिला 68 मिला। अब 68 में से मैं माइनस कर दूँ 2 माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, जब 2 मैंने माइनस कर दिया 68 में से तो मुझे मिल जाएगा 66 मिल जाएगा, और यहाँ पे 66 ही है। तो यानी कि लॉजिक समझ में आ गया है, क्या लॉजिक चल रहा है, लॉजिक कुछ भी नहीं चल रहा है, बस लॉजिक इतना सा चल रहा है कि गुणा करना है 2 से फिर माइनस करना है 2, गुणा करना है 2 से फिर माइनस कर देना है 2, ये लॉजिक चलेगा। तो यहाँ पे 66 को गुणा कर देते हैं 2 से और माइनस कर देते हैं 2। ठीक है, तो अब जब हमने 66 को गुणा किया 2 से तो यहाँ करके देख लेते हैं, 66 गुणा 2 किए तो हमको क्या मिला 132 मिला, और जब 132 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 130, और ये 130 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये, कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से विषम छांटना है, विषम कौन सा है। तो देखो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें एक जैसा लॉजिक चलेगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें वो लॉजिक नहीं चलेगा, और वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने 84 को देखा तो 84 डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से 7 से, 21 को देखा तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 7 से, फिर हमने 91 को देखा ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 7 से, लेकिन ये 97 है ना ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है,
और 97 की बात करें तो प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिवाइड होगा, तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीके का कि जो ये नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। गाइस देखिए, नीति आयोग की बात करें तो इसमें से बहुत सारी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें से नीति आयोग में से कभी इसका चेयरमैन पूछ दिया, कभी इसका वाइस चेयरमैन पूछ दिया, कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया, तो और कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ दी, तो इसी तरह से करके पूछे जा रहे हैं। और आज का जो 25 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें क्या पूछा गया है कि जो ये नीति आयोग में जो ये नीति है ना, इसकी जो फुल फॉर्म है इसमें आई का मतलब क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, जो सेकंड आई आ रहा है इसका मतलब हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देख लीजिए, सेकंड आई का मतलब तो क्या है, इंस्टीट्यूशन है। अगर लास्ट आई का पूछे तो क्या है, लास्ट आई का मतलब इंडिया है। तो देखिए, अब ये जरूरी नहीं है आई का, अगर आने वाली जो भी शिफ्ट होंगी उनमें अगर एन का पूछ दे तो आप बता सकते हैं नेशनल, और आई का इंस्टीट्यूशन, टी का है ट्रांसफॉर्मिंग, और आई का लास्ट आई का है इंडिया। तो ये आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए, नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए, एक गणित का लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज से कह रहा है कि एक्स का 30% 500 है, किसका? देखो, एक्स का मतलब क्या होता है, गुणा 30%, तो 30% 30/100 कितना है, 500 है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक्स का मान, हमें बताना है। तो कैसे होगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ जीरो से जीरो काट दिया तो यहाँ का क्या बच गया, 3/10 बच गया। तो अब 10 को मैं इधर ले जा सकती हूँ ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स गुणा 3। अब यहाँ यहाँ क्या 500, और ये 10 इसके साथ चला जाएगा, तो 500 गुणा 10 हो जाएगा। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं 500 गुणा 10 कर दूंगी तो यहाँ मिल जाएगा 5000 मिल जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स गुणा 3। तो कितना बचा, देखिए एक्स गुणा 3 हो गया इधर की साइड, और यहाँ क्या हो गया था, 5000 हो गया था। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बस ये 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 5000, यानी कि 5000/3। ठीक है, अब ये हम कर देंगे, तो इसको अब आप मतलब कि 5000 में 3 का भाग दोगे, या फिर यूं कहें कि 5000 को 3 से काटोगे, तो आपका जो उत्तर है वो मिल जाएगा 1666.6, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कैलेंडर का लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसको कराने का तरीका कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो देखो, हमको क्या कर रखा है कि एक डेट दे रखी है और हमसे पूछा है कि इस दिन कौन सा वार होगा। ठीक है, ये पूछा है, जैसे कि यहाँ दे दिया है 2 अक्टूबर 2005 दे दिया है, और हमसे पूछ दिया कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसके लिए एक सूत्र होता है, उसमें मान रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखेंगे हम डेट, डेट के बाद महीने का कोड, महीने के कोड के बाद ईयर लिखेंगे, और ईयर में हम क्या करते हैं, लास्ट की जो 2 डिजिट होती है उनको लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे लीप ईयर्स लिखेंगे, और लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं मैं बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, और इन सबको जोड़ के हम क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो चलो वैल्यूज रख देते हैं। देखो, डेट कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 लिख दिया। महीने का कोड, जो अक्टूबर का जो कोड होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, फिर ईयर यानी कि लास्ट की 2 डिजिट, और लास्ट की 2 डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 05 आ रहा है, तो ठीक है मैंने लिख दिया। अब लीप ईयर्स, अब कंफ्यूज हो गए आपके भाई लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे, तो लीप ईयर के लिए कुछ भी नहीं देना है, लास्ट की 2 डिजिट है, और लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 05 है। ठीक है, इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 1, और यहाँ गया कितनी बार है, 1, तो जितनी बार गया है ना ये हो जाएगा लीप ईयर्स, तो यहाँ 1 लिख दिया। और अब इन सबको जोड़ के किसका भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे। तो मैंने इन सबको जोड़ा, तो देखो 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8, तो 8/7 कितना आ गया, 8/7। अब देखो 8/7 हमारे पास आ गया है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस 8 में भाग दे देना है 7 का, और जब आप 8 में भाग दोगे 7 का, तो एक बार तो जाएगा और शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, शेष बच जाएगा, ये शेष बच गया 1। ठीक है, अब शेष बच गया 1, तो यही हमारा दिन होगा। कैसे होगा, अगर 0 शेष बचता तो हमारा दिन क्या हो जाता, संडे हो जाता, यानी रविवार हो जाता, लेकिन 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यानी मंडे हो जाएगा, यानी कि सोमवार। तो क्या उत्तर आ जाएगा, इसका आ जाएगा सोमवार उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सिलॉक्स का लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि डाटा सेम होगा, इस डाटा चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, बट पैटर्न सेम रहेगा, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
तो देखिए, क्योंकि रीजनिंग में एग्जैक्ट रीजनिंग और मैथ्स में एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ पैटर्न याद रह जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो सिलॉग्स की बात करते हैं, तो सिलॉग्स से देखो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, और उसके आधार पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर हमें चेक करने पड़ेंगे जो निष्कर्ष दे रखे हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा। तो चलो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रखा है हमको, हमको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके आधार पर हम फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो हमें दे रखा है कि कुछ ए बी है, तो चलो हम बना लेते हैं। ये हमने ए बना लिया और ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, बी है, ठीक है। फिर आगे वाला जो कह रहा है स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि नो बी इज सी, यानी कि कोई भी बी है वो सी नहीं है। तो ये बी है, कोई भी बी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब देखते हैं इसके आधार पे कौन सा कथन है, वो कौन सा निष्कर्ष है वो सही होगा। और देखो यहाँ पे जो ये कॉमन पार्ट है इसमें ए और बी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ जो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सम ए आर नॉट सी, कुछ ए हैं वो सी नहीं होंगे, ये बिल्कुल पूरी तरह सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए ये हिस्सा देखिए, इसमें ए और बी दोनों है, तो इसमें जो ए है वो कभी सी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमें कथन में कहा गया है कि कोई भी बी सी नहीं होंगे, और जब बी के अंदर जो ए आ रहे हैं वो कैसे सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये पूरी तरह सही है। फिर दूसरा हमें कहा गया है कि ऑल सी मे बी ए, कि जो सारे के सारे सी हैं उनके ए होने की संभावना है। अब यहाँ एक शब्द इस्तेमाल इसने कर दिया, संभावना। ध्यान दीजिएगा, इस संभावना की अगर बात होती है तो संभावना किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो संभावना है वो जहाँ डाउट में होते हैं ना वहीं पे संभावना लगती है, जिस चीज़ के लिए हम कंफर्म होंगे कि हाँ भाई ये चीज़ कंफर्म गलत होगी या फिर ये चीज़ कंफर्म सही होगी, तो उसमें संभावना कभी नहीं लगेगी। तो आपसे रिलेशन पूछा है यहाँ पे ए और सी के बीच, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, बहुत दूरी दूरी पे है, इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन हमें नहीं पता है, और जब ये चीज़ें दूर दूर है इनके बारे में स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं कहा गया, तो हमें नहीं पता कि इनके बीच कैसा रिलेशन होगा, तो हम हैं डाउट में। और क्योंकि कैसा भी रिलेशन इसमें हो सकता है, और यहाँ वर्ड क्या दे दिया, संभावना, कि भाई सारे सी के ए होने की संभावना, तो बिल्कुल संभावना हो सकती है, क्योंकि संभावना डाउट के केस में लगती है। तो इसमें क्या उत्तर आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लगातार क्लॉक से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको कोई भी समय दे देगा, और समय देने के बाद वो आपसे कह देगा कि जो मिनट और घंटे की सुई है, मिनट और जो आवर की सुई है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें मैं शुरू से एक फॉर्मूला बताते आ रही हूँ, उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आपका उत्तर आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 11/2 गुणा या मिनट कर देंगे, ठीक है, माइनस घंटे गुणा 30। अब आप इसमें मान रख दीजिएगा, मिनट की जगह आप रख दीजिएगा कितनी है मिनट, 55, और घंटे की जगह आप रख दीजिएगा 11, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जीके का, कि एक पुस्तक है जिसका नाम है गॉड्स मैन टू टाइकून, तो जो ये गॉड्स मैन टू टाइकून जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है प्रियंका पाठक। अगला देखिए एक प्रश्न इससे पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न से, तो गाइस इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जो अवार्ड्स वाले टॉपिक है उनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया था कि जो व्यास सम्मान है इसके बारे में पूछा गया था कि व्यास सम्मान किसे मिला, तो अगर व्यास सम्मान की बात की जाए तो ये मिला ममता कालिया को मिला, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन हमसे मैथ्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए डाटा गाइस चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमको क्रय मूल्य दे रखा है 500 और लाभ उस पे दे रखा है 25%। अब मुझे बताइए, देखो ये 25% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 25/100 लिख सकती हूँ, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे को यहाँ 1/4 मिल गया, कितना मिल गया, 1/4। अब ये 4 क्या है, देखो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम अच्छे से ये पता होना चाहिए हमें कि शुरू से सिखाया जाता है कि चाहे हमें लाभ हो चाहे हमें हानि हो, लेकिन वो होगी किस पे, क्रय मूल्य पे ही होगी, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही होगी। तो ये 4 पे 1 की क्या हो रही है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 4 क्या हो गया, 4 हो गया कॉस्ट प्राइस, हो गया 4। और अब 4 पे 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ 4 पे 1 का लाभ मिला के टोटल कितने हो गए, 5, तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 5, और प्रॉफिट है लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है।
तो अब मुझे बताओ प्रश्न में क्या दे रखा है हमको। प्रश्न में दे रखा है क्रय मूल्य दे रखा है 500, और यहाँ पे जो सीपी आया है क्रय मूल्य आया है वो 4 है। तो इनको मैं देखो इनसे मैं एक की वैल्यू निकाल सकती हूँ। जब 4 की वैल्यू मेरे को 500 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। 500 है इसको काट देंगे 4 से तो कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 125 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 125। तो यहां से हमने निकाल लिया, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपना 4 था, एसपी अपना 5 था, ठीक है, और जो प्रॉफिट था वो 1 था। और हमने एक की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 125 कैसे निकाली वो मैंने बताई दिया है। तो यहाँ हमसे प्रश्न पूछा है कि एसपी कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जब हमें एक का मान पता है, एक का मान 125 हम निकाल चुके हैं, तो 5 का नहीं निकाल सकते क्या? 5 का निकाल सकते हैं बिल्कुल भी। तो 5 का कैसे निकाल लेंगे, देखो 5 गुणा 125 हम कर देंगे, और जब हम 5 गुणा 125 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 625। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 625 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि जो ये अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन हुआ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल योग समिट, ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक हॉर्स पावर जो होती है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखो एक हॉर्स पावर जो होती है जिसे हिंदी में कहते हैं अश्वशक्ति, इसका जो मान होता है वो होता है 746 वाट होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष है जिसे कहते हैं मायोपिया, इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। फिर अगला एक प्रश्न पूछा गया था जो ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स में कौन सी एसिड होती है, तो यानी अंगूरों में कौन सी एसिड होती है, कौन सा अम्ल होता है। तो जो ग्रेप्स होते हैं इसमें एसिड होती है टाइटरिक एसिड होती है, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो चेचक रोग है ये किसके द्वारा फैलता है। तो चेचक रोग की बात करें तो एक बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, क्या नाम है उसका, वेरी ओला वायरस है, इसके द्वारा ये चेचक रोग फैलता है, ठीक है। फिर एक प्रश्न देखिए इस प्रकार का पूछा गया है आज कि जो समसूत्री सेल है, समसूत्री सेल विभाजन है ये किस में होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है समसूत्री सेलों का बताना है कि इसका जो डिवीजन होता है, विभाजन जो होता है वो किस में होता है, तो ये होता है सोमेटिक सेल्स में होता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है स्क्वायर रूट का, कि हमको कुछ भी दे देगा और कह देगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है हमको 1296 दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लास्ट की डिजिट क्या है, 6 है, तो हम ऐसी डिजिट लिखे जिनके लास्ट में 6 आता हो। तो 4 चौक 16, तो यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और उसके लास्ट में 6 आ रहा है तो 4 लिख देते हैं हम। और इसी तरह 6 का जो स्क्वायर होता है 36 होता है, तो 36 में भी लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 के स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। अब हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है, वर्ग पूछा है। वर्ग का मतलब पावर क्या होती है, 2 होती है, तो हम 2 से इसके क्या कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं, 2 संख्या के बाद इसके हिस्से कर लेते हैं। अब देखो आगे कितनी बच गई, ओनली 2 ही संख्या बच गई, और 2 संख्या में भी क्या बचा, ओनली 12 बचा। तो हम ऐसा देखे ऐसा नंबर जिसके ये 12 है इसके आसपास का स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो हमने देखा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 तो ज्यादा हो गया, तो हम ले लेते 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हम दोनों जगह यहाँ लिख देंगे 3 3 लिख देंगे, 3 3 लिख देंगे। अब हमें इतना कंफर्म हो गया कि या तो उत्तर होगा 34 या उत्तर होगा 36, लेकिन ये कैसे चेक करें। तो देखो ये ऐसे चेक होगा, यहाँ हम दोनों जगह यहाँ 3 3 लिखा है ना, 3 का स्क्वायर माना है, तो 3 से 1 आगे यानी कि 4 गुणा कर देंगे, गुणा किया तो कितना आ गया 12। अब हम इस 12 को और यहाँ जो संख्या है इनको कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ हमने देखा दोनों बराबर आ रही है। अब देखो दोनों या तो बराबर आए और या फिर ज्यादा आए, तो क्या उत्तर होगा, ज्यादा वाला। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपका होता 14 होता और यहाँ 12 होता, तो यानी कि ये जो 12 है इससे छोटा होता तो उत्तर होता छोटा वाला, लेकिन ये बराबर आ रहा है इसलिए उत्तर हो गया 36, तो 36 उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन लगातार एचसीएफ से पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सीईओ का, देखो सीईओ देख लेना हर चीज ओके, क्योंकि हर कंपनीज के सीईओ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लगातार सीईओ का आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए आज जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि
पेटीएम है, इसके सीईओ कौन है? तो पेटीएम के जो सीईओ है वो है विजय शेखर शर्मा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि जो हिंदी प्राइज 2017 किसे दिया गया? तो हिंदी प्राइज 2017 दिया गया कृष्णा सोबती को। फिर यहाँ पूछा गया है कि जो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन है? तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। ठीक है, देखो गाइस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं काफी शिफ्टों में। तो देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ओडीआई है वनडे क्रिकेट मैच होते हैं इसमें लगातार मतलब कि 3 डबल सेंचुरी बनाने वाले पर्सन का हमें नाम बताना है, क्रिकेटर का नाम बताना। तो देखो 3 डबल सेंचुरी मारने वाले जो क्रिकेटर का नाम है उनका नाम है रोहित शर्मा, जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरी मारी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो 2018 के जो फीफा के विनर का हमें नाम बताना है कि फीफा के विनर कौन रहे 2018 के? तो ये रहे फ्रांस रहे। कौन रहे? फ्रांस कंट्री रही। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा गया है हरियाणा के सीएम कौन है, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो ये है मनोहर लाल खट्टर। अब यहाँ पे ये भी पूछा सकता है कि पूछा जा सकता है कि भाई हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गवर्नर पूछे गए हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है वो है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो सकता है आपसे जम्मू कश्मीर की कैपिटल पूछ ले, तो जम्मू कश्मीर की दो दो कैपिटल होती है, जो गर्मी विंटर्स के सर्दियों के टाइम तो जम्मू होती है और समर गर्मियों के टाइम होती है श्रीनगर। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया है कि एक स्लोगन है, नारा है, और वो कौन सा नारा है? वो नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, अगला एक राष्ट्रीय उद्यान पे पर प्रश्न पूछा गया है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे, कौन से राज्य में है? तो देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आसाम के अंदर। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा गया है रियांड बांध के ऊपर, पूछा गया कि जो रियांड बांध है ये कौन सी नदी पे है? तो देखो रियांड बांध की बात करें तो ये है रियांड नदी पे स्थित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया गुजरात का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो गुजरात का क्षेत्रफल है वो है 196,024 किलोमीटर स्क्वायर, ये है। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो इंडियन डिफेंस एकेडमी है, इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है पुणे के अंदर। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया हमसे कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये वर्ल्ड हेल्थ डे का पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसे हम बोलेंगे हिंदी में, और यह हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर एक प्रश्न हमसे पूछा गया इस प्रकार का कि जो ड्रीम इलेवन एक ऐप है, ड्रीम इलेवन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो ड्रीम इलेवन की बात करें तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन का पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष है रजनीश कुमार। हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई में। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हॉकी, ये इंडियन हॉकी टीम के कोच कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम है इसके कोच है वो है हरिंदर सिंह। ठीक है, एक प्रश्न देखिए यहाँ पे रीजनिंग में लगातार पूछा जा रहा है इस टाइप का कि यहाँ दिया है 2020 दे रखा है हमें, और हमें पूछा है कि 2020 का जो कैलेंडर है ये वापस कब रिपीट होगा, कौन से साल में रिपीट होगा? तो देखो मैं बता चुकी हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखो 4 का पूरी तरह से भाग जाता है, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 20 है इसमें, तो यानी कि ये क्या हो गई? ये हो गई लीप वर्ष हो गई, क्योंकि जो भी साल दे रखा है उसके लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो होती है लीप वर्ष होती है। और जब भी ये लीप वर्ष हो दी हुई साल और पूछा हो रिपीटेशन का सवाल पूछा हो कि भाई ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो लीप वर्ष के लिए हम जोड़ते हैं 28 जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसमें 28 जोड़े तो हमें क्या मिला? 2048 हमें मिल गया कि जो 2020 का कैलेंडर है वो 2048 में रिपीट होगा। फिर एक क्वेश्चन एनालॉगी का पूछा गया है, और एनालॉगी में क्या करते हैं? देखो जो कॉन्सेप्ट इधर की साइड चलेगा वो कॉन्सेप्ट ही इधर चलेगा। तो यहाँ में दे रखा है 9 के साथ 729 दे रखा है, तो यहाँ 8 के साथ यहाँ पे क्या आएगा? तो हमने देखा कि 9 के साथ जो ये 729 दे रखा है ना, ये 9 का क्या है? क्यूब है।
तो इसी तरह से यहाँ पे जो आएगा ना वो क्या आएगा, 8 का क्यूब आएगा। और 8 का जो क्यूब आएगा ना, जो 8 का घनमूल होता है वो होता है 512 होता है। तो क्या हो जाएगा, 512 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक ऑड वन आउट का प्रश्न पूछा गया है। तो ऑड वन आउट में मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट कि हो सकता है तीनों तीनों है वो एक समान होंगे और एक है वो अलग होगा। वो अलग कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन तीन एक समान होंगे और एक अलग होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, डी के साथ यहाँ 4 दे रखा है, एच के साथ यहाँ 8 दे रखा है, एन के साथ यहाँ 14 दे रखा है। हमने देखा कि तीनों की तीनों डिजिट है, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। लेकिन एच आई के साथ यहाँ 9 दे रखा है और ये 9 है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, I9। ठीक है, देखिए गाइस, मिरर इमेज से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपसे मिरर इमेज जैसे वर्ड वाली पूछ दी जाए, वर्ड वाली जैसे मान लो कोई भी दे देगा आपको, दे देगा जैसे कैट दे दिया और कह दिया इसकी मिरर इमेज बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये उल्टे बन जाएंगे, जैसे टी ऐसे बन जाएगा, ई ऐसा बन जाएगा, सी इस तरह से बन जाएगा। या फिर हो सकता है आपको कोई इमेज दे दी जाए और आपको कह दिया जाए कि भाई इसका वो दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो जैसे मान लो ये दे दिया तो बस कुछ भी नहीं करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बन जाएगा। तो बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है इसी तरह के। तो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले आज की शिफ्ट के। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जगह जगह इस वीडियो को फैलाइए। और अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के चिन्ह को दबा लीजिए, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और गाइस, जैसे ही सेकंड शिफ्ट खत्म होगा मैं आपके साथ सेकंड शिफ्ट के रिव्यूज लेके आऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।